हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये बताऊंगा कि सास्केचवान कैनेडा लोग क्यों मूव होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी सास्केचवान में रहता हूँ और काफ़ी सारे लोग सास्केचवान पीआर लेकर मूव होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ओंटेरियो या फिर बीसी जैसे प्रोविंस से मूव होकर सास्केचवान आते हैं। तो क्या रीजंस होते हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि आप सास्केचवान में जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो रीज़न है वो है इजी पीआर। अगर आप कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री से आना चाहते हैं और अगर आपका सीआरएस स्कोर है वो अराउंड 350 या 400 के आसपास आ रहा है, तो फिर आपको इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो उस केस में अगर आप किसी भी प्रोविंस से नॉमिनेशन ले सकते हैं या आपको किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिला है, तो आपके चांसेस जो होते हैं पीआर मिलने के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन के 600 एडिशनल पॉइंट्स आपको सीआरएस स्कोर के अंदर ऐड होते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो सीआरएस स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है और आपको इनविटेशन टू अप्लाई आईटीए मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा जो एक्चुअल सीआरएस स्कोर था वो 348 ही था, और उसके बाद मैंने सास्केचवान प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि एसआईएनपी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे एसआईएनपी से नॉमिनेशन मिला और बाद में उसके एडिशनल 600 पॉइंट्स एड हो गए, और उसकी वजह से मेरा जो सीआरएस स्कोर था वो बूस्टअप होकर 948 तक चला गया, और उसके बाद मुझे इनविटेशन टू अप्लाई मिल गया और फाइनली मुझे पीआर मिल गया। तो सिमिलरली अगर आपका सीआरएस स्कोर कम है तब भी आप एसआईएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप अप्लाई करेंगे और आपको नॉमिनेशन मिलेंगे तो आपको पीआर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी बात करें, जो लोग कैनेडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जिनको आइल्स में कम बैंड्स वगैरह आते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो वो एसआईएनपी के ओआईडी स्ट्रीम होती है, एसआईएनपी ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम होती है, उसके अंदर अपनी फाइल पुट अप कर सकते हैं। अगर उसमें भी उनको इनविटेशन मिल जाता है तो भी पीआर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड बात आती है, जो स्टूडेंट्स कैनेडा में स्टडी करने के लिए आते हैं, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो टोरंटो या फिर वैंकूवर जैसे बिग सिटीज़ में आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह स्टडी के साथ साथ तो अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपकी 3 साल की या फिर 1 साल की वर्क परमिट जो होती है, तो मीनवाइल आपको पीआर के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो जो लोग वर्क परमिट पर होते हैं उनको अपने ही फील्ड की जॉब चाहिए होती है, या फिर किसी प्रोविंस में ऐसे प्रोविंस में चले जाए कि जहां पर उनको प्रोविंस के वर्क एक्सपीरियंस के भी पॉइंट मिलते हो, तब जाकर उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स सास्केचवान में मिल जाएंगे जो कि बीसी और ओंटेरियो जैसे प्रोविंस से मूव होकर सास्केचवान में आते हैं स्पेशली फॉर पीआर। तो ज़्यादातर केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए कैनेडा में आते हैं वो स्टडी करने के बाद सास्केचवान सेटल हो जाते हैं, और जो पीआर लेकर डायरेक्ट सास्केचवान में आते हैं वो बिग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में टोरंटो और वैंकूवर जैसे बिग सिटीज़ में मूव हो जाते हैं। और इसीलिए जो सास्केचवान की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल की स्टेबल ही है, उसमें माइनर सा ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट बात ये भी करते हैं इसमें कि अगर आप सास्केचवान में रह रहे हो और आप अपने ब्लड रिलेटिव या फर्स्ट कज़िन सेकेंड कज़िन को आप सास्केचवान ले आना चाहते हो, तो उसके लिए आप उनको एडिशनल 20 पॉइंट्स दे सकते हो। तो उसकी वजह से आपके जो भी कज़िन सिस्टर ब्रदर हैं उनको वहाँ पर सास्केचवान में माइग्रेट होने में काफ़ी इजी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से वो पीआर लेकर सेटल हो जाएंगे। तो ये बात तो हो गई कि इजी पीआर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी कम है, वैसे यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम अगर बात करें तो आप 1 या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो आप सास्काटून या फिर रजाइना जो कि सेकेंड बिगेस्ट सिटी है वहाँ पर रेंट करोगे तो उसकी प्राइस होगी अराउंड 1300 टू लेकर $1500 तक, जबकि आप टोरंटो वैंकूवर जैसे सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पर 1 या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आप रेंट करने जाओगे तो उसकी ही प्राइस ऑलमोस्ट $2500 के आसपास हो जाएगी। अगर आप 2 बेडरूम का बेसमेंट भी रेंट करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट $2000 के आसपास हो जाएगा। सेम ये तो बात हो गई रेंट की। अब बात करते हैं कार इंश्योरेंस की। कार इंश्योरेंस जो है वो बीसी और ओंटेरियो में काफ़ी महंगा होता है,
वहाँ पर आपका कार का इंश्योरेंस, अगर आपके पास ऑलमोस्ट 4-5 साल पुरानी कार है तो भी आपका इंश्योरेंस 250 से लेकर $300 तक पर मंथ आ सकता है। और अगर आपके पास नई कार है तो फिर आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो हर महीने $500 के आसपास चला जाएगा। तो ये काफ़ी महंगा होगा, और जबकि आप सास्केचवान में वही कार लेकर आओगे तो आपका जो इंश्योरेंस होगा वो ऑलमोस्ट $150 के आसपास आ जाएगा। ये रेंट और कार की बात हो गई, कार इंश्योरेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर आप हाउस खरीदने के लिए जाते हो तो बड़े सिटीज़ में आपको $1 million से कम में अच्छा सा हाउस अच्छी लोकेलिटी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम साइज़ का हाउस सास्केचवान में लेने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट हाफ से भी कम प्राइस में मिल सकता है। और प्रॉपर्टी के जो रेट है वो भी इतनी तेज़ी से इन्फ्लेट नहीं होते जितने कि बिग सिटीज़ में होते हैं। तो अगर आप सास्केचवान मूव होते हो तो आपको काफ़ी अच्छा ये एडवांटेज मिल सकता है। इसमें दूसरा एडवांटेज आपको ये भी मिल सकता है कि अगर आप ओंटेरियो या फिर BC में रह रहे हो और वहाँ पर आप रिमोट जॉब करते हो तो आपको सैलरी तो अच्छी खासी मिल ही जाती है, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करनी है तो आप सास्केचवान के सास्काटून और रजाइना में मूव हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सास्केचवान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो सिटीज़ है वो साइज़ में इतने बड़े नहीं होते हैं। सिटी की पॉपुलेशन सास्काटून और रजाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट 300,000 यानी कि 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जो साइज़ एरिया जो उसका है वो ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से ट्रैफिक भी कम होता है, पोल्यूशन भी कम होता है। हाँ, लेकिन ये सब है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी लिमिटेड ही होती है। लेकिन सिटी में अगर आपको कहीं पर भी जाना है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप नए नए इमिग्रेंट आते हैं सास्केचवान में, आपके पास स्टार्टिंग में कार नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से ट्रैवल करते हैं, तो आपको हर एक जगह पर अच्छी सी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। और जो दूर दराज के एरिया होते हैं वहाँ पर भी हर आधे घंटे पर बस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तब 45 मिनट्स टू लेकर 1 आवर के अंदर पूरे सिटी में आप कहीं पर भी पहुंच पाओगे। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से ट्रैवल करते हो तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में आप एक छोर से दूसरे छोर तक इजीली ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है तो एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। पोल्यूशन तो वैसे कम है ही, तो अगर आप सास्काटून के डाउनटाउन में इवनिंग के टाइम पे 7-8 बजे जाओगे तब भी आपको काफ़ी कम लोग वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जबकि आप टोरंटो या वैनकूवर के डाउनटाउन में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि एग्रीकल्चर फील्ड का, तो जो लोग BSc या फिर मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर करके आते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी की करके आते हैं, तो वो लोग काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पर स्टडी भी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कनाडा में स्टडी करोगे तो उसके बाद आपको सेटल होने के लिए PR होने के लिए काफ़ी कम एफर्ट्स लगेंगे एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट PR। तो आप सास्काटून की यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचवान में या फिर रजाइना की यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको स्टडी के साथ साथ जॉब्स मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सास्केचवान है वो पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा वीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन करता है। तो उसकी वजह से यहाँ के जो फार्म्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, और समर का टाइम आता है तब यहाँ पर अच्छी खासी फार्मिंग भी होती है। तो ये तो फार्मिंग की बात हो गई, लेकिन फार्मिंग के साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर कंपनीज़ है जो कि एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स बनाती है, तो ऐसी कंपनीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आप छोटे छोटे गांव में जाओगे तब भी वहाँ पर ऐसी कंपनीज़ के सर्विस स्टेशन या फिर शोरूम आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को सेल करते हैं। उसके अलावा 2-3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करती है, तो ऐसी कंपनीज़ में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो लोग इंडिया से या फिर कोई भी कंट्री से एग्रीकल्चर का थोड़ा सा स्टडी करके आगे एडवांस में स्टडी करना चाहते हैं तो फिर सास्केचवान उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस ऑफ कैनेडा। तो यहाँ पर आपको जॉब्स वगैरह मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ आप PR भी काफ़ी ईजिली हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि सास्केचवान में ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो जिस वजह से आपको वहाँ पर जाना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आप सास्केचवान में PR लेकर आते हैं और आप PR मिलने के बाद कहीं पर भी कोई बड़े सिटीज़ में मूव होना चाहते हैं, तब भी आपको सास्केचवान के जो भी बिग सिटीज़ है, सास्काटून, रजाइना, वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं।
और जो स्टूडेंट्स को पीयर के लिए डिफ़िकल्टीज होती है वो स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा Saskatchewan में आते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जो सच में कैनेडा आना चाहते हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अगर आप मुझसे और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और उसके अलावा आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं तो मैं आपको 1-to-1 पेड कंसल्टेशन भी अवेल करवा सकता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।